ओके लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी 2021 के और CSET के पेपर की हम बात कर रहे थे। इसमें हम बात करेंगे 2019 की। उसके बाद हम फिर से अपने GS के पेपर शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे करने चाहिए। तो हम बात कर रहे थे आपकी कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मेन आइडिया के बारे में पूछ रहा है। पैसेज का मेन आइडिया क्या है। ठीक है, कहाँ से जाओगे? ऑप्शन नंबर डी से जाओगे। इट इज डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू रिपेयर एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपके लिए इसको हिंदी में पढ़ दूं तो क्या बोला है? ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि संभव नहीं है तो कठिन है। That is the truth. आप हर मैनिफेस्टेशन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है। ओके, होल्ड कर लेते हैं इसको। सी कह रहा है सोशल डिस्क्रिमिनेशन डेप्रिवेशन हैव देयर रूट इन बैड इकोनॉमी। क्यों? क्या सोशल डेप्रिवेशन का सिर्फ यही रीजन थोड़ी होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कहाँ की कैसी होती है, वहाँ की सोसाइटी की क्या, सोसाइटल वैल्यूज क्या है, इस पे भी तो चीजें डिपेंड करती हैं। दैट मीन्स क्या ये एक फिक्स स्टेटमेंट है, एक किस्म से फैक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत है। बी कह रहा है हिस्टोरिकल इनजस्टिस इज इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर। मतलब कितने एक्सट्रीम वर्ड है, 3 एक्सट्रीम वर्ड इसमें दिए हुए हैं, तो ये बिल्कुल क्या है आपकी गलत स्टेटमेंट है। ये क्या है? अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली बाय पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। नहीं ली गई है। ऐसा नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 17 को क्यों ऐड किया जाता है ना? क्यों आपका जो है फिर 1955 का आपका एक्ट लेके आया जाता। तो इसका मतलब हमने सीरियसली तो लिया है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपकी जीएस की नॉलेज के से क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। लेकिन फिर भी हमसे बोला जाता है जीएस की नॉलेज अप्लाई नहीं करना, तो हम देखते हैं क्या हमारी नॉलेज सही है या नहीं है। ठीक है, देखो पॉलिटिकल थ्योरीज डू नॉट doubt have to take history of injustice, for example untouchability, seriously. The concept of historical injustice take note of a variety of historical wrong that continue into present in some form or the other and tend to resist repair. दो रीजन दे रखे रेजिस्टेंस के, क्यों नहीं रिपेयर कर पा रहे हैं। 1, not only are the root of injustice buried deep in the history. कहाँ पे बता रही है उसकी रूट्स? कहाँ पे? आपकी हिस्ट्री में है। ऑप्शन नंबर 3 में कहाँ पे आपको बताया गया था? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपकी रूट्स कहाँ हैं? बैड इकोनॉमी में है। ठीक है, इसका मतलब पैसेज गलत बता रहा है उसको। इनजस्टिस इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आइडियोलॉजीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेकंड, the category of historical injustice generally extend across a number of wrongs such as economic deprivation, social discrimination and lack of recognition. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये पता चल गया। दिस कैटेगरी इज कॉम्प्लेक्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ओवरलैप बिटवीन ए नंबर ऑफ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये जो इनजस्टिस वाली कैटेगरी है इसके बहुत सारे रीजन है। बिकॉज 1 और द अदर रॉन्ग जनरली डिस्क्रिमिनेशन टेंड टू एक्वायर पार्शियल ऑटोनॉमी फ्रॉम द अदर। दिस इज बोर्न आउट बाय हिस्ट्री ऑफ रिपेयर इन इंडिया। ठीक है, यानी हमने तो रिपेयर किया है, इसका मतलब क्या हमने सीरियसली लिया है। दैट मीन्स आपकी सेकंड जो लास्ट में क्या कहते हैं कि डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है उसको रिपेयर करना, और यही आपका क्या है क्वेश्चन की थीम है, सॉरी पैसेज की थीम है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी पैसेज से आता है। ओके, असम्पशंस की बात कर रखी है। क्या कहता है? रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन लीड टू रिमूवल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हम पैसेज भी पढ़ चुके हैं, अगर आप इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को हटा दोगे तो क्या उससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन रिमूव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे क्या है कि आपकी जो भी रिजर्व्ड, जिनको रिजर्वेशन दी जाती है, उन कैटेगरीज के लोग अच्छी खासी पोस्ट पे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सोशली उनको इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि सोशली उनको वही देखा जाता है कि वो उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन ठीक है और कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी वाले लोगों से भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन अगर खत्म हो जाती है तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी, ये गारंटी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी, एक सेकेंड थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। सेकेंड कह रहा है डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज द बेस्ट वे टू रिपेयर हिस्टोरिकल रोम आपने अपने पैसेज में भी देख लिया। सबसे पहले बोला इसने बेस्ट भी है, ओके, कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं हो सकती अपने आप में, सब अपने आप में बेस्ट हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है, ना ही आपके पैसेज में बोला गया है कि ये बेस्ट तरीका है रिपेयर करने का। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। नीदर वन नीदर टू। असम्पशंस के क्वेश्चन में हमें पैसेज सॉल्व करते हुए जब हम मोस्टली कोचिंग या फिर पैसेज सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है तो हमें सोच के ये हमें बोला जाता है कि हमें पैसेज के बियॉन्ड जाके सोचना है। कई सम टाइम बोला जाता है तुम्हें कि जो पैसेज में दिया हुआ है उसके अगेंस्ट जाके सोचना है, उसकी लिमिट से बाहर। तो पर बात यह है कि जर्नल स्टेटमेंट लगा के चलो, उसको जर्नल सेंस में जीएस की नॉलेज अप्लाई करो, नॉर्मल स्टेटमेंट लेके चलो, मत ध्यान दो अजम्पशन है, मत ध्यान दो कुछ है, अनलेस एंड अनटिल डाउट नहीं आता तब जाके उसको पैसेज में देखो, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ पैसेज, आप इसमें भी assumptions की बात कर रखी है, क्या है, विदाउट एक्वायरिंग कल्चर ए पर्सनस एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट। दैट इज ट्रू। अगर जब तक आप कल्चर को, आप कितना ही पढ़े लिखे हो लेकिन अगर आप अपनी कल्चर को एक्वायर नहीं कर पाते, आप नहीं सीख पाते कि हमारे कल्चर में ये बोला गया है कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट करो, तो इसका मतलब आप फिर कि आपकी एजुकेशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। दैट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू। ए सोसाइटी विदाउट well educated people cannot be transferred into a modern society। क्या आपको लगता है कि सारे जो educated people होते हैं उनसे society modern होती है? society modern कभी भी ऐसे नहीं हो सकती जैसे हम सोच रहे हैं कि किसी को डिग्री मिल जाए तो society modern हो सकती है, नहीं, जब तक कि वो अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करना नहीं सीख लेते। दैट मीन्स स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। आंसर आ जाता है आपका बी ओनली, बट हम जाएंगे ऑप्शन आपकी पैसेज में देख लेंगे वहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, okay। Education play a great transformative role in life, particularly so that in rapidly changing globalization world। यूनिवर्सिटी कस्टोडियन है आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल के, प्रमोट करते हैं कल्चर को और स्पेशलाइज नॉलेज को। कल्चर एक्टिविटी ऑफ थॉट है, रिस्पेक्टिव ऑफ ब्यूटी एंड ह्यूमन फीलिंग। ए मियरली वेल इन्फॉर्म्ड मैन, देखो इसने क्या बोला है, मियरली वेल इन्फॉर्म्ड मैन इज ओनली बोरोड गॉड्स अर्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तभी वो कह रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, विदाउट एक्वायरिंग कल्चर पर एक पर्सन की एजुकेशन बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। दैट मीन्स स्टेटमेंट टू आपकी करेक्ट यहीं से हो जाती है, ठीक है। वट वी शुड एम एट प्रोड्यूसिंग मैन हु पोसेस, जिसको हमें क्या करना चाहिए, जो दोनों पोसेस करे, कल्चर भी करे और नॉलेज भी होनी चाहिए। देयर एक्सपर्ट नॉलेज विल गिव देम ए फर्म ग्राउंड टू स्टार्ट फ्रॉम एंड देयर कल्चर विल लीड देम एज डीप एज फिलोसफी एंड एज हाई एज आर्ट। टुगेदर इट विल इम्पैक्ट मीनिंग टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। टुगेदर करेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आपकी पैसेज में कहीं भी बात नहीं की गई मॉडर्न सोसाइटी की। दैट मीन्स आपकी ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें भी असम्पशन की बात की है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्प इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। जब भी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो जीएस में भी यही बोला जाता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, चाहे सॉइल हो चाहे रिसोर्सेज का। अगर आप सस्टेनेबल मैनेज कर पाओगे तो वो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में हेल्प करता है। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सॉइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक, मेनली यानी कि नेचुरली प्रोसेस बहुत कम होती है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किसकी वजह से हो रही है, एंथ्रोपोजेनिक रीज़न है, यानी हम लोग उसका रीज़न है। बट ऐसा नहीं है, सॉइल इरोजन जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, वो होता ही होता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ये गया, ये गया, ये गया, आपका आंसर आ गया सीधा। ए कहता है, बट यहाँ पे आपको देखना है ए, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या वर्ड आया, मेनली, रोग हो गया। लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीज़न फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड में फूड इनसिक्योरिटी का रीजन सिर्फ सॉइल इरोजन थोड़ी हो सकता है, मेजर रीजन और भी रीजन होंगे। बट इसने बोला है इज, अगर बोला होता ना इज वन ऑफ द रीजन तो वो ठीक होता है, बट उसने बोला इज अ मेजर रीजन, वही रीजन है ज्यादा बड़ा। दैट मीन्स यहाँ पे भी स्टेटमेंट क्या है, इसकी वजह से यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गई, आपकी गलत हो गई। बट देख लेते हैं कि आपका टॉपिक इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सोइल इन विच नियरली ऑल आर फूड ग्रोज इज अ लिविंग रिसोर्स दैट टेक ईयर्स टू फॉर्म येट इट कैन वेनिश इन मिनट्स। ईच ईयर 75 बिलियन टन ऑफ फर्टाइल सोइल इज लॉस्ट टू इरोजन। अब ये 75 बिलियन टन्स फर्टिलाइज वो लॉस्ट हो जाते हैं। अब इसका रीजन हम तो नहीं हो सकते ना सारा का सारा। दैट इज अलार्मिंग एंड नॉट जस्ट फॉर फूड प्रोड्यूसर। सोइल कैन ट्रैप करती है ह्यूज क्वांटिटी ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। देखो इसमें किसी की बात ही नहीं की गई, इसमें ये कहा ही नहीं गया कि सोइल इरोजन एंथ्रोपोजेनिक होते हैं क्या होता है, ना ही इसमें बात किया गया फूड इनसिक्योरिटीज की। ठीक है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या, क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे आप जितना हो सकते हैं अपने आंसर्स को चेक करते चले, साथ के साथ अपने पैसेज से मिलाते चले, ताकि ये कॉन्फिडेंस आता है कि जब पेपर में जाके हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो वो हमारे आंसर्स क्या होंगे, ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अजम्पशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर थ्रू इट्स इफेक्ट देन बाय द डायरेक्ट एम्पेरिकल मेथड्स। ठीक है, ओके, कैन बी एनालाइज की जा सकती है। मान लिया इनइक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड इनकम वेल्थ एक्सेट्रा रीइंफोर्स पावर, डिफरेंट काइंड की इनइक्वालिटीज की बात की गई है। इकोनॉमिक पावर इज द ओनली रीजन। आप देखो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक पावर इज ओनली रीजन है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करने का इन द सोसाइटी। दैट मीन्स ओनली रीजन है, गलत है स्टेटमेंट, गलत गलत गलत। आंसर क्या आ गया, फिर से आपका आंसर आ गया बी। अब यहाँ पे ये भी नोट करने वाली बात है, इस पैसेज का आंसर भी क्या है, बी। इस पैसेज का आंसर भी क्या है, बी। और इसका भी आंसर क्या है आपको, बी। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही कि इनके सबके आंसर भी हैं, इसका मतलब ये है कि इससे ये समझ में आता है कि इस पेपर में ज़्यादातर जो ऑप्शंस होंगे उनके आंसर्स अगर इस फॉर्म में दिए होंगे तो यही मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। देखो यहाँ पे यही सेम टाइप है, सेम टाइप है, सेम टाइप है, सेम टाइप है, सेम टाइप है। ठीक है, ये सिर्फ एक मतलब ये होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जाके आपकी हेल्प करता है, और हेल्प ही तो हमें यही तो जानना है कि PYQs में कैसी चीज़ें दी गई हैं, कैसे उनको सोल्व करना है। देख लेते हैं ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है आपका पैसेज। Inequality is visible even statistically measurable in many instances, but the economic power that drive it is invisible and not measurable like the force of gravity. Power is organized principle of inequality, be it of income, wealth, gender, race, religion. It effect are seen in the pervasive manner in all sphere, but the way in which economy power pulls tilt visible economy variables remain invisible obscure. देखो इसने नहीं कहा कि economic power ये एक होता रीजन है जिसकी वजह से inequality आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, मोस्ट लॉजिकल रेशनल इंटरफेरेंस क्या निकल के आता है। डी कहता है क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो अफेक्ट करेगा ये क्लाइमेट चेंज ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से क्या होगा, गलत। सी शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू न्यू क्रॉपलैंड विल लीड टू ए ग्रेट इंक्रीज, नॉट इंक्रीज अब ग्रेट इंक्रीज, बहुत एक्सेस मात्रा में इन द टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन एंड दस एंड इंक्रीज इन ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। शिफ्टिंग मेजर क्रॉप को अगर आप न्यू क्रॉप लैंड में, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। बी कहता है क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली इफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी, विल फिक्स कर दिया उसने, करेगा ही करेगा, क्यों, पॉजिटिवली भी तो कर सकता है, हर जगह तो वो नेगेटिव नहीं होंगे, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज होगा तो उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। अगर क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, आर्कटिक सर्कल की बर्फ पिघलेगी, तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे, निकल के आएंगे, वो हेल्प करेंगे उन कंट्रीज को ग्रो करने में इन फ्यूचर, तो ये कैसे कह सकता है। दूसरा वहाँ पे लैंड आएगी तो वहाँ पे नई क्रॉप उगाई जा सकती है, वो उनके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, किसी के लिए वो नुकसान करेगा कि जब जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो डूब जाएंगी, या हमारे यहाँ पे देख लो अभी आपने देखा होगा कि अभी ये हिलस्टॉर्म आया है, ओले पड़े तो सारी फसल खराब हो गई है, तो समटाइम्स वो अफेक्ट करेगा, किसी जगह पॉजिटिवली किसी जगह नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, बट ये उसने फिक्स कर दिया, दैट्स इज इनकरेक्ट। Farmers who modernize their method and diversify their field will be in an advantageous position. जो modernize कर देंगे, जो डाइवर्सिफाई करेंगे, ऑब्वियसली बात है। अगर मान लो इसमें ही आप एग्जाम्पल लेके चलो, हमारे खुद के घर का एग्जाम्पल लेके चलो कि घर वालों ने सरसों लगा रखी है, ओले पड़े फसल का है। लेकिन अगर वहीं पे डाइवर्सिफाई कर रखा होता, क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर रखा होता, कहीं पेड़ लगाते कहीं कुछ लगाते, तो मे भी हो सकता था कि जो लॉस हो जाता है वो हमारा कम हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स डाइवर्सिफिकेशन हमेशा हेल्प करता है। ठीक है, और यही बोला जाता है आपके सस्टेनेबल जो मेथड्स होते हैं उसमें भी यही बोला जाता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रखी है। अब चले जाते हैं कि देख लेते हैं आपका पैसेज क्या कहता है। क्लाइमेट चेंज में एक्चुअली बेनिफिट, आप देखो इसने कहा ना मैं एक्चुअली बेनिफिट, सम प्लांट को बेनिफिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रोइंग सीजन बढ़ जाता है। तो वही तो बोल रहा है, और वहां पे बोला था उसने नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। येट अदर इफेक्ट ऑफ द वार्मर वर्ल्ड सच एज मोस्ट पेस्ट ड्रॉट फ्लडिंग विल बी लेस बैनिंग। हाउ विल द वर्ल्ड अडेप्ट, कैसे करेगा? रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए हैं दैट बाय 2050 है सुटेबल क्रॉपलैंड ऑफ 4 कमोडिटीज मेज पोटैटोज राइस व्हीट विल शिफ्ट इन सम कॉज पुशिंग फार्मर टू प्लांट न्यू क्रॉप। सम फार्मलैंड में बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग बट अदर्स वोंट। कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। क्लाइमेट अलोन डज नॉट डिक्टेट यील्ड, वो खुद में नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या बोला था कि क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और यहाँ पे बोला है वो खुद से खुद नहीं करेगा। पॉलिटिकल शिफ्ट ग्लोबल डिमांड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विल इन्फ्लुएंस हाउ फार्म्स आर इन द फ्यूचर। तो ये सब इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका? Logical, scientific, rational interference. Man and aforementioned animals have a shared evolution history. शेयर्ड एवोल्यूशन हिस्ट्री तो है हमारे पास, हम बंदर की औलादे हैं, तो इसका मतलब ये ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं। मैन एंड अफोरमेंशन एनिमल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स इज एन एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ इवोल्यूशन। लिम्स बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कोएग्जिस्टेंस का इवोल्यूशन का है। डिफरेंट स्पीशीज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ हैंड इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये देखो, इसमें इवोल्यूशन की बात है, इसमें इवोल्यूशन की बात है, इसमें बायोडाइवर्सिटी की बात है, इसमें बायोडाइवर्सिटी की बात है। इससे कुछ नहीं पता चला, तो ये पता चला कि या तो ये टॉपिक तुम्हारे पास या तो इसमें आंसर होगा क्या, या तो आंसर होगा बायोडाइवर्सिटी या आंसर होगा इवोल्यूशन का। ठीक है, अगर एक बार ये जाएगा इवोल्यूशन आंसर होगा तो दोनों बायोडाइवर्सिटी जाएंगे। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखो क्या कह रही है। ए बैट विंग में लुक सिमिलर लाइक शीट ऑफ स्किन बट अंडरनीथ ए बैट हैज सम 5 fingers as an orangutan or a human as well as a wrist connected to the some cluster of wrist bone connected to the some long bones of the arm. What can be more curious that the hand of a man form for grasping, that of a mole for digging, a leg of a horse and the pedal of porpoise and the wings of the bat should all be constructed on some pattern. क्या है? construct किए गए किसी pattern पे, यानी कि biodiversity की बात ही नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है? वो evolution की बात कर रहे हैं। इवोल्यूशन की बात कर रहा है तो सॉरी इवोल्यूशन की अगर वो बात कर रहा है तो ये ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो जाते हैं, ये आएंगे ही नहीं। अब बचेगा ये और ये। वहां पे उसने ये नहीं बोला कि ये इनका लिंग है तो वो सिमिलर एग्जांपल है कोइंसिडेंस का, नहीं। उसने क्या बोला है? उसने बोला है शुड ऑल कंस्ट्रक्ट ऑन द सम पैटर्न इवोल्यूशन शेयर्स सम पैटर्न पे कंस्ट्रक्ट हुए, यानी एक जैसे, यानी इवोल्यूशन हिस्ट्री सेम है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर मोर बेटर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके जी। द प्रेजेंट मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग विल फाइनली लीड टू कंडीशन सिमिलर टू दोज विच हैपन 56 मिलियन ईयर्स अगो। आप कैसे फिक्स कर सकते हो ये चीज़ कि फाइनली वो लीड करेगी जो 56 मिलियन ईयर्स पहले हो चुका है? दैट मीन्स इट इज़ अ वेग स्टेटमेंट, इट इज़ इनकरेक्ट। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब है स्टेटमेंट 1 इज योर करेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बियरिंग ऑन द प्लैनेट्स बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये बिल्कुल सही बात है। अब बचा 2 या 3। 2 कहता है सेपरेशन ऑफ लैंड मास कोज द रिलीज ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कार्बन। पहले इसमें क्या है, assumptions find out करने हैं। ओके, सेपरेशन ऑफ लैंड मास cause the release of huge quantity of carbon in the atmosphere, ठीक है। increased warming of earth atmosphere can change the composition of its flora and fauna। तो वार्मिंग ऑफ एटमोस्फेयर चेंज कर सकता है कंपोजिशन को, तो बिल्कुल कर सकता है। अभी पिछले पैसेज में हमने पढ़ा कि क्लाइमेट किसी चीज़ के लिए फायदेमंद होगा, क्लाइमेट चेंज किसी चीज़ के लिए नुकसान होगा, तो कंपोजिशन चेंज कर सकता है। दैट मीन्स 1 और 3 इज योर करेक्ट। बट हम देख लेते हैं एक बार जाके कि पैसेज कह रहा है अराउंड 56 मिलियन ईयर्स अगो द अटलांटिक ओशन हैड नॉट फुली ओपन एंड एनिमल परहैप्स इंक्लूडिंग आवर प्राइमेट एंसेस्टर कुड वॉक फ्रॉम एशिया टू नॉर्थ अमेरिका थ्रू यूरोप एंड अक्रॉस ग्रीनलैंड। दैट मींस वो जब आपका कॉन्टिनेंट जो ये सारे भी कनेक्ट थे उसकी बात कर रहा है। Earth was warmer than it is today, but as a Paleocene epoch gave way to Eocene, it was about to get much warmer still rapidly. Thus cause was a massive geological sudden release of carbon. During this period called Paleocene-Eocene thermal maximum or PETM, the carbon injected in the atmosphere was roughly the amount that would be injected today if the human burned all the earth reserve of the coal, oil and natural gas. The PETM lasted for about 1,50,000 years until the excess carbon was reabsorbed. It brought on drought, flood, insects, plagues and a few extinctions. Life on earth survived. Indeed it is proposed but it was drastically different. उसने कहीं नहीं बोला कि देखो ऐसा होगा तो ये सेम हो जाएगा, उसने कहीं नहीं बोला, उसने ऐसा भी नहीं बोला, सेपरेशन ऑफ लैंड मास की कहीं भी उसने बात ही नहीं की है. दैट मीन्स क्या है आपका आंसर क्या है, 1 and 3 इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आज हमने देख लिए 8 क्वेश्चन. एनालाइज करते हुए आपको यही देखना है आपके हिसाब से क्या आंसर है, उसके बाद जाओ पैसेज पे जाओ अपने आंसर को कंफर्म करो कि है ये आपका जो रिस्क टेकिंग अप्रोच है आपके पेपर में व्हाइल सॉल्विंग योर पेपर आपके एप्टीट्यूड को डेवलप करेगा. आपको यकीन होगा कि हाँ हम जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से हमारी सोच जो है वो बिल्कुल ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू, बाय बाय.